हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट इतिहास जून 2008 पेपर सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ है, अगर जिसको पढ़ना है स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकता है। आंसर शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला प्रश्न है, प्राक औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीयता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा स्वदेश प्रेम। आगे, सांस्कृतिक अवरोधों के विघटन में उसका सर्वाधिक योगदान है, वाणिज्यीकरण। आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का परिणाम हुआ स्वदेश प्रेम की भावनाओं का सुदृढ़ीकरण। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1857 का विद्रोह था, आम लोगों का विद्रोह था। आगे, प्रत्यक्ष प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो ये आधुनिक क्षेत्र की राजनीति का उद्भव। आगे, निम्नलिखित में से कौन पुरापाषाण युग से संबंधित है? तो यहाँ पर पुरापाषाण पूछा है, तो चापर चॉपिंग औजार जो हैं वो पुरापाषाण काल से संबंधित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रस्तर युग को प्रतिरूपित करता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, आखेट। आगे है, निम्नलिखित में से आगे है निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण युग से संबंधित है? तो नवपाषाण पूछ रहा है, तो स्थायी जीवन हो जाएगा। नगरीकरण तो हड़प्पा काल में, क्षेत्रांतरण ये और बाद में, खानाबदोश जो है वो मध्यकाल से शुरू होता है, पशुपालन वगैरह, तो ये नहीं होगा। नव प्रस्तर युग पूछा है, तो स्थायी जीवन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता पूछा है, तो मेहरगढ़ से ही सही आंसर है। अगला है, कथन दिया है पाषाण युग में मानव विकास की गति बहुत धीमी थी। आगे है, प्राथमिक तौर पर क्योंकि मानव सीखने के आघात और परीक्षण विधि पर निर्भर करते थे। तो यहाँ पर ए जो है वो सही हो जाएगा और आर जो है वो गलत है। आगे दिया है, भारत में प्रथम शहरीकरण का तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में पतन हुआ। यह मूलतया रूप से जलवायु संबंधी स्थितियों में परिवर्तन की वजह से हुआ था। तो यहाँ पर ए गलत हो जाएगा और जो आर है वो यहाँ पर सही है। आगे है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, द्वितीय शहरीकरण पहली सहस्रवी ईसवी शताब्दी सॉरी द्वितीय शहरीकरण पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दूसरे उत्तरार्ध के दौरान गंगा के मैदानों में हुआ। यह अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के द्वारा प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर जो सही है, ए और आर दोनों ही सही है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति, जब हम प्राक हड़प्पा देखते हैं तो उसका फैलाव कहीं और क्षेत्र में होता है, और फिर हम हड़प्पा यानी परिपक्व हवा हड़प्पा में आते हैं तो स्थान बदल जाते हैं। बहुत कम ऐसे स्थान प्राप्त हुए हैं जहाँ से तीनों हड़प्पा के जो स्तर हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो जलवायु परिवर्तन इसका कारण रहा होगा कि जलवायु परिवर्तन होने से वहाँ की जो जनसंख्या है वो आगे की तरफ मूव कर गई। तो यहाँ पर जो मेन कारण था कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नष्ट होती है, तो उसका कोई एक कारण नहीं था, जलवायु परिवर्तन भी वहाँ पर महत्वपूर्ण कारक निभाता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, निम्नलिखित को अनुवर्ती क्रम में रखें और नीचे दिए गए कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर सही जो कूट बैठेगा, सबसे पहले ये आया हुआ प्रश्न है, तो सबसे पहले जन हुआ करते थे जन, फिर जन से हुआ जनपद, जन से हुआ जनपद, और फिर उसके बाद महाजनपद, और फिर लास्ट में आएगा साम्राज्य। तो किस प्रकार से जनों का निर्माण होता है और फिर कैसे जनपद बनता है, जनपद से महाजनपद और महाजनपद से साम्राज्य डेवलप होता है, तो ये क्रम पूछा था यहाँ पर।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित को अनुवर्ती क्रम में रखें और नीचे दिए गए कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर अभिलेखों का एक क्रम बताना है। तो सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख है, इलाहाबाद अभिलेख, ऐहोल अभिलेख और लास्ट में पथरी स्तंभ लेख। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से दिया गया है कूट, देकर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सामवेद, सामवेद के बाद महाभारत, महाभारत के बाद रामायण, रामायण के बाद अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चूंकि सामवेद वेद हमारे पुराने हैं और जो रामायण महाभारत है लिखे गए ये बाद में हैं, चूंकि उनकी जो घटनाएं वो उससे भी पहले की रही होंगी, लेकिन जो लेखन कार्य पूछा है तो लेखन कार्य के अनुसार सामवेद सबसे पहले आएंगे, फिर महाभारत, फिर रामायण और अष्टाध्यायी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब यहाँ पर फिर से कूट दिया गया। तो सबसे पहले मेगस्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उसके बाद फायान, फिर उसके बाद हेनसांग और फिर है अल्वरीन। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, सूचियाँ मिलान करना है। जुड़वा टीला ये हड़प्पा स्थल, बिदत, बिदत का है ऋग्वेद, कर्म का सिद्धांत ब्रह्मवाद और सप्तांग सिद्धांत जो है जिसमें सात चीज़ें जो हैं राज्य या राजा के लिए अनिवार्य बताई गई हैं, तो सप्तांग सिद्धांत यहाँ पर अर्थशास्त्र में दिया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से सूची मिलानी है। तो धम्म विजय किया था अशोक ने, कन्यो पायदान, धम्म विजय अशोक ने, तो इस हिसाब से यहाँ पर दो कूट बनेंगे। कन्यो पायदान जो है समुद्रगुप्त, कविराज, कविराज को हर्षवर्धन और सार्थवाय जो है करवा व्यापारी। तो यहाँ पर जो सही होगा वो है कविराज का हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, सूची एक और दो दी गई है, इसका हम देखते हैं। वर्णाश्रम जो है वो है वैदिक धर्म से, तीर्थंकर हैं जैन धर्म से, शिववाद है ब्राह्मणवाद से और वज्रायन है बौद्ध धर्म से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चहलगानी निम्न के शासन काल के दौरान प्रमुख था। तो यहाँ पर इल्तुतमिश जो है सही आंसर हो जाएगा। चहलगानी यानी 40 जो वहाँ पर प्रमुख थे उनका दल, 40 सरदारों का दल इल्तुतमिश के समय बनाया था। इल्तुतमिश ने ही इसको बनाया था। अगला है, बाबर ने गाजी का खिताब कब अपनाया था? तो 1527 में। निम्न में से सूफी संतों का क्रम ऋषि सिलसिला कहलाता है? तो ये कश्मीर। अगला है, शफी नाथ उल औलिया का लेखक कौन था? तो दारा शिकोह। आगे, दिल्ली सल्तनत के दो इतिहासकारों का नाम बताइए जिनकी कृति का शीर्षक तारीख है फिरोजशाही है? तो जियाउद्दीन बरनी और शम्स सिराज अफीफ। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, जात इंगित करता है कि मनसबदार के पास कितने सैनिक हैं। अगला है, सवार मुगल प्रशासन अधिक्रम में व्यक्तिगत हैसियत और पद इंगित करता है। तो यहाँ पर जो सही कूट बनेगा वो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, कि दोनों गलत हैं यहाँ पर, क्योंकि जात इंगित करता है कि मनसबदार के पास कितने सैनिक हैं और सवार जो है वो मुगल अधिक्रम में व्यक्तिगत हैसियत और पद इंगित करता है इस कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल्ख और बदख्शां पर आक्रमण और शाहजहां द्वारा कांधार के एक के बाद एक तीन घेराबंदियों का परिणाम खून बहाने 30 से 40 हजार लोगों की मृत्यु और 35 मिलियन रुपए की व्यय के अलावा कुछ नहीं था। इसका कारण दिया है, इसका मुगल संसाधनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। अगला देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी कर प्रणाली और अनाज एकत्रीकरण में प्रमुख परिवर्तनों से जुड़ा था। उसने कम कीमतें सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय भी किए। कारण दिया है, अपनी फौज का विस्तार करने और उन्हें कम वेतन पर रखने के उद्देश्य से। तो
तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों ही यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं, कालानुक्रम बताना है, तो सबसे पहले संगम वंश, फिर सुलु, फिर तुलु, फिर अराविदु। तो एस संगम, सुलु और तुलु और ए, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, संगम, सुलुक, तुलु, अराविद। अगला है, निम्नलिखित को सही कालक्रम में रखें। तो हसन निजामी सबसे पहले हैं, मिनहाज सिराज, फिर उसके बाद शम्स सिराज, आफिफ, अब्बास खान सरवानी, ये शहिशार सूरी के समय थे। तो अगला क्वेश्चन है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर युद्धों का सही क्रम बताना, तो घग्गर का युद्ध सबसे पहले, कलिंजर का युद्ध फिर बाद में हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये शेरशाह सूरी के समय का है, तालीकोटा का युद्ध। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दो सूचियाँ दी गई हैं, उनका मिलान करना है। निकोले कॉन्टी इटली, एथनासियस जो है रूस के, अब्दुल रज्जाक ईरान के, डोमिंगो पायस जो है पुर्तगाल की। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, मुतामिद खान, इकबाल नामा ए जहांगीरी, लाहौरी पादशाह नामा, बदायूनी, मुंतखाबुत तवारीख और खफी खान की है मुंतखाबुल लुबाक। तो यहाँ ये वाला नाम और ये वाला नाम सेम सेम है, सिर्फ बदायूनी वाले में तवारीख है और खफी खान वाले में लुबाब है, बाकी दोनों का नाम सेम है। आगे है, जो कूट बनकर आएगा वो यहाँ पर वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूचियाँ दी गई हैं, उसका मिलान करना है। तो कुवत अस अल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाई दरवाज़ा है अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम शर्की, ये हो जाएगा अटाला मस्जिद, और रोहतासगढ़ किला हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, 1793 के कार्नवालिस के नियम ने पृथक कर दिया, तो सिविल को न्यायिक प्रशासन से, ए ऑप्शन सही है। अगला, उल गुलान किसका आंदोलन था, तो ये मुंडा जनजाति जो थी उनका था। अगला, किस व्यक्ति ने भू लगान को स्थायी रूप से निश्चित करने का पक्ष नहीं लिया था, तो फिलिप्स फ्रांसिस ने। अगला है, रैयतवाड़ी प्रणाली ने सरकार और काश्तकारों के बीच मध्यस्थों के रूप में ग्राम संभ्रांत वर्गों को समाप्त नहीं किया। आर है, ग्रामीण सत्ता का ढांचा मुश्किल से ही बदला था और नई व्यवस्था पर द्वारा ज्यादा सुदृढ़ हो गया था। तो यहाँ पर ए सही सत्य है, परंतु आर जो है वो यहाँ पर गलत है। अगला है, उग्रवादियों का लक्ष्य स्वराज था, जिसका भिन्न नेताओं ने भिन्न ढंग से निर्वाचन किया। आर है, इसका भिन्न भाषा संबंधी आंचलों के नेताओं ने इसे भिन्न रूप में समझा। तो ए सत्य है और आर असत्य है। अगला है, मार्ले मिंटो सुधारों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के विरोधी गुटों को संतुष्ट किया। मार्ले मिंटो सुधारों ने उनकी सब चिंताओं को संबोधित किया। तो यहाँ पर ए सत्य है और दोनों, ए और आर दोनों ही असत्य हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला है, अब यहाँ पर कुछ सामाजिक जो है संगठन है उनका एक क्रम में रखना है। तो सबसे पहले आत्मीय सभा, फिर ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, आर्य समाज और पूजा पूना सार्वजनिक सभा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को काल क्रम में रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडियन पेनल कोड, फिर उसके बाद पुलिस एक्ट, और फिर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, फिर लास्ट में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को कालक्रम में रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है हूल सबसे पहले है, फिर है मोपला, फिर है सतारा प्रति सरकार, ओ सतारा प्रति सरकार जो है वो लास्ट में है, और फिर हूल सबसे पहले है, उसके बाद मोपला,
मोपलाय और फिर ताम्रलिप्ति जातीय सरकार। तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, कुछ सूचियाँ दी गई हैं उनका मिलान करना है। द इमरजेंसी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये है अनिल सील की, अनिल सील की। आगे नेशनल नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, तो ये है राज नारायण चंदावरण की, चंदावरकर की। अगला है द नेशन एंड इट्स फ्रिगमेंट्स, तो इनकी है पार्थो चटर्जी। और नेशनलिज्म विदाउट ए नेशन इन इंडिया, तो इनका हो जाएगा GLOCS। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाली, बंगाली का है, बंगाली, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वंदे मातरम अरविंदो घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, बंगवासी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस हिसाब से जो कूट बनेगा वो है डी ऑप्शन, यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से सूचियाँ दी गई हैं उनका मिलान करना। अंजुमन, संगठन, कुलीन, बहु विवाह, कनाकरम, काश्तकारम, मिताक्षरा है उत्तराधिकार, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसने कहा था कि मैं राजा का प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ, कि ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करूं। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर है विंसेंट चर्चिल। अगला है, प्रथम समाजवादी समूह कहाँ बना था, तो ये रूस में बना था। आगे, साम्राज्यवाद की सर्वाधिक सुस्पष्ट अभिव्यक्ति क्या थी, तो ये उपनिवेशवाद जो है सुस्पष्ट अभिव्यक्ति थी। अगला है, अवलोकन प्रक्रिया में शोध को होना चाहिए, तो मतलब अवलोकन मतलब जब हम किसी चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं तो उसमें शोध होना चाहिए सतत और दीर्घ स्थायी, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, व्यवहार को तर्क संगति के रूप में परिभाषित करने के लिए किसने सावधान किया, तो वर्नर हॉशवॉल्ड ने, सी ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, और एक और पेपर बचा हुआ है जो मैं अपलोड बहुत जल्दी कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।